पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपने मोबाइल की मीडिया फाइल्स को अपने पीसी में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टीम वीवर सॉफ्टवेयर के बारे में कि ये क्या होता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसे कैसे डाउनलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टीम वीवर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से आप अपने पीसी में इंटरनेट की सहायता से किसी भी दूसरे कंप्यूटर को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप तीन प्रकार से किसी दो डिवाइस को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने पीसी को मोबाइल में भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल को पीसी में भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल को टीम व्यूवर की हेल्प से रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीम व्यूवर काम क्या आता है। टीम व्यूवर की हेल्प से आप अपने ऑफिस के पीसी को अपने घर में रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके कंप्यूटर में कोई खराबी हो और आप यदि किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना चाहते हैं तो आप टीम व्यूवर की हेल्प से आसानी से ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ऑफिस की फाइल्स को शेयर या रिसीव कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यदि आपके फ्रेंड के कंप्यूटर में कोई खराबी हो तो आप उसे हेल्प कर सकते हैं टीम व्यूवर की सहायता से आसानी से। तो ये सभी काम आप टीम व्यूवर की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं, पर शर्त है इसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और दोनों कंप्यूटर में टीम व्यूवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। तो आइए अब सीख लेते हैं टीम व्यूवर कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर में जाना होगा। यहाँ आपको टाइप करना होगा टीम व्यूवर। यहाँ नीचे आएंगे और जिस भी किसी के लिए आपका कंप्यूटर है यहाँ पर सभी के लिए उपलब्ध है, विंडोज, मैक। यहाँ पर हम विंडोज के लिए क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जिस किसी के लिए भी चुनना चाहते हैं उसे चुन सकते हैं। हम यहाँ विंडो के लिए चुनेंगे। जैसे ही हम विंडो पर क्लिक करते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड टीम व्यूवर का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये 26 MB की फाइल है, ये डाउनलोड हो रही है, इसे होने दीजिए। हमारा टीम व्यूवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप पर्सनल के लिए सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आप यस करेंगे। ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, इसे होने दीजिए। हमारे इंस्टॉल हो चुका है, हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करते ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको योर आईडी और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर कोई और एक्सेस करे तो आप उसे अपनी आईडी और पासवर्ड दे दीजिए। और यदि आप किसी और का कंप्यूटर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उससे उसकी आईडी और पासवर्ड ले लीजिए। यहाँ पर मैंने अपने फ्रेंड की आईडी और पासवर्ड ले रखी है, तो हम इसे डाल के देखते हैं। यहाँ पर हम यदि उसे रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं रिमोट कंट्रोल पर क्लिक करेंगे। यदि आप फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप फाइल ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं और कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कनेक्ट पर क्लिक करते हैं ये हमसे पासवर्ड पूछ रहा है, हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। हमने यहाँ पासवर्ड डाल दिया है। हम अब लॉग ऑन पर क्लिक करेंगे। ये कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है। आप चाहे तो फाइल्स को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये मेरे फ्रेंड की स्क्रीन है और ये मेरी स्क्रीन है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जैसे कि ये एक्शन। यहाँ पर एंड सेशन पर यदि क्लिक करेंगे तो ये कनेक्शन कट जाएगा। यहाँ पर हम नोट छोड़ सकते हैं। लीव नोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। लॉक ऑन सेशन एंड पर क्लिक करके आप पूरा काम खत्म होने के बाद इसे लॉक कर सकते हैं।
साइन आउट ऑन रिमोट कंप्यूटर पर क्लिक करके आप इसे 30 सेकंड के अंदर लॉक कर सकते हैं। रिबूट पर क्लिक करके आप दूसरे कंप्यूटर को आप रिबूट कर सकते हैं। रिबूट इन सेफ मोड पर क्लिक करके आप इसे सेफ मोड पर रिबूट कर सकते हैं। सेंड कंट्रोल ऑल डिलीट पर क्लिक करके आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। सेंड की कॉम्बिनेशन पर क्लिक करके आप उसके रन कमांड को ओपन कर सकते हैं। ये मेरे फ्रेंड का रन कमांड खुल चुका है। डिसेबल रिमोट इनपुट पर क्लिक करके आप उसके माउस और कीबोर्ड को डिसेबल कर सकते हैं। शो ब्लैक स्क्रीन पर क्लिक करके आप उसकी स्क्रीन को ब्लैक कर सकते हैं। रिमोट सिस्टम इंफॉर्मेशन पे चेक करके आप दूसरे के कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रिमोट अपडेट पे क्लिक करके इसे आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूज पे क्लिक करके आप इस स्क्रीन को बेस्ट फिट पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर वन बाई वन पर क्लिक करके आप इसे इस अनुपात में फिट कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। और इस पर क्लिक करके आप स्ट्रेचेबल कर सकते हैं। यहाँ पर क्वालिटी है, फोटो सेलेक्ट पर करेंगे तो उसी हिसाब से क्वालिटी हो जाएगी। इसी प्रकार ये भी इन दोनों क्वालिटी है, जैसी आपको क्वालिटी चाहिए वैसे आप रख सकते हैं। यहाँ पर ये स्क्रीन रेजोल्यूशन है, जैसा भी आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन चाहिए वैसा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसके वॉलपेपर को या तो छिपा सकते हैं या देख सकते हैं। सो रिमोट कर्सर पर क्लिक करके आप उसके माउस को देख सकते हैं। रिफ्रेश स्क्रीन पर क्लिक करके आप उसकी स्क्रीन को रिफ्रेश कर सकते हैं। सेलेक्ट सिंगल विंडो पर क्लिक करके आप सिर्फ एक ही विंडो को चला सकते हैं। शो सेशन इन टैब्स पर क्लिक करके आप उसके टैब को देख सकते हैं। और स्विच टू फुल स्क्रीन पर क्लिक करके आप उसकी स्क्रीन को स्ट्रेच कर सकते। कम्युनिकेट पर क्लिक करके आप उसके कंप्यूटर का साउंड सुन सकते हैं। स्विच साइड्स विद पार्टनर पर क्लिक करके आप उसे अपनी आईडी दे सकते हैं, ताकि वो भी आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सके। यहाँ पर आप उसे कॉल भी कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। चैट पर क्लिक करके आप उसे आसानी से कॉल कर सकते हैं। चैट पर क्लिक करके आप उससे बात कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय, एंड आप इसे रिप्लाई भी कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पर हाय लिख के इसे सेंड कर दिया है, ये हमारा आ चुका है। इस प्रकार आप चैट कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो कॉल पे क्लिक करके आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइल एंड एक्स्ट्रास में जाके आप यहाँ पर उसके प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर आप वीपीएन सेवा स्टार्ट कर सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट पर क्लिक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट सेशन रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। ओपन फाइल ट्रांसफर पर क्लिक करके आप फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये हमारा कंप्यूटर है, ये दूसरे का कंप्यूटर है। यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्ट फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर वाया फाइल बॉक्स पे क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर की फाइल को यहाँ पर ओपन करने के बाद इसे शेयर कर सकते हैं। रिमोट अपडेट पर क्लिक करके आप टीम व्यूवर को अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि टीम व्यूवर का उपयोग कैसे किया जाता है और दो कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।